आपको नमस्कार। गुरुदेव, आज एक सवाल आया दिमाग में, मैं चाहता हूँ आपसे पूछूं और आप उसको मार्गदर्शन करें हमारा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं और इनका निवारण कैसे है, इसके बारे में आप हमारे दोस्तों को बताइए। ओम ओम श्री हरि ओम, ओम ओम शिव हरि ओम। सभी भक्तों को नम्र परमात्मा का शुभ आशीर्वाद मिले। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके प्रश्न के अनुकूल कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। पितृदोष जब भी किसी व्यक्ति पे हो जाता है तो उसका चेहरा धीरे से मलिन होने लगता है। कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो जो चेहरे की जो तेज है वो खत्म होने लगती है पहले, पितृदोष। दूसरा, उसके सोच में निगेटिव ऊर्जा आने लगती है। हमेशा वो गलत सोचेगा, शंका करेगा और हमेशा उसका जीवन जो है डिसीजन लेने में देर करेगा। तीसरी बात कि उसके अंदर नशा खोरी आ जाएगी। चौथी, उसके जो मित्र मिलेंगे सारे धोखाबाज मिलेंगे। पांचवी बात ये आ जाएगी कि उसके घर में धन तो आएगा लेकिन टिक नहीं पाएगा। छठवीं, उसकी घर में कलह रहेगी, पत्नी से उसका 36 का आंकड़ा रहेगा। ये प्रमुख लक्षण लगते हैं जी। और संतान जितने भी हैं उसके अनुकूल नहीं होंगे, पिता पुत्र के अनुकूल नहीं होगा, पुत्री पिता के अनुकूल नहीं होंगे और सारे एक दूसरे से वो विवाद करते रहेंगे। ये है लक्षण। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पितृदोष कैसे समाप्त होगा। निवारण के लिए छोटा सा उपाय यह है कि कोई सिद्ध पुरुष, कोई गुरु और वह व्यक्ति जो प्रतिदिन परमात्मा के करीब हो, मंदिर जाता हो, वह गुरु। गुरु का लक्षण, गुरु ऐसा चाहिए जो न मांगे कछु दाम, दसो नक्शे करे कमाई, देता रहे निदान। गुरु लोभी न हो, लालची न हो। गुरु ऐसा चाहिए कि जो सामग्री लग रहा है पूजा का, कार्यक्रम का, उस वो सामग्री का पैसा ले और जो स्वेच्छा से जजमान दक्षिणा दे दे वो ले। उसको लोभ ना हो कि नहीं मेरे को इतना चाहिए, ऐसा अगर गुरु है तो उसे कार्य न कराए। दूसरा बात, यदि आपके पास पैसा नहीं है, पितृदोष निवारण कराना चाहते हैं तो आप गीता का तीसरा अध्याय प्रतिदिन पढ़ें, एक लोटे जल रख लें, उसमें 5 तुलसी का पत्ता रख लें और प्रतिदिन पढ़िए तीसरा अध्याय। उसको जल को पूरे घर में छिड़किए और थोड़ा सा पान कर लीजिए। ये पितृदोष के लिए है। इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा उपाय कि गीता का 7वां अध्याय का पाठ करेंगे और 7वें अध्याय के पाठ के द्वारा आप पितृदोष का निवारण करेंगे। अपने माता पिता का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, मंदिर में जाना, शिव भगवान का दर्शन करना, बेलपत्री चढ़ाना, श्री हरि विष्णु का गुरुवार के दिन हो सके तो केले के पौधे में जाकर के जल दीजिए और उसका दर्शन कीजिए। यदि चाहते हैं कि कोई कार्य आपका अति शीघ्र हो तो केले के पत्ते में गुरुवार से खाना शुरू कीजिए और कम से कम 7 दिन खाइए। इस तरह का सारा कार्यक्रम कीजिए। जो माता पिता का आदर करते हैं, जो सुबह उठ करके अपने हथेली को देखते हैं, जो पृथ्वी को मैया माँ समझ के प्रणाम करते हैं, उनके ऊपर पितृदोष नहीं आता और जो नहीं करते उनके ऊपर पितृदोष आता है। वो जो आपने हाथ देखने के उठने की बात करी उस पे वो कराग्रे बसते लक्ष्मी कर्म सरस्वती कर्म उड़ेतु गोविंदम प्रातः कर दर्शनम करके आप हाथ को देखिए और रगड़िए और अपने चेहरे पर लगाइए। दूसरा, अगर जितने भी भक्त हैं और उनके जो माता पिता हैं उनका नाम, पिताजी का नाम 11 बार, माताजी का 9 बार नाम लें प्रतिदिन और धरती माँ को प्रणाम करें। सूर्य को एक लोटा जल दें क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। पितृदोष, अगर किसी के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, पितृदोष में डिप्रेशन पहले आता है तब नशाखोरी आदमी करता है, तो 2 केला जरूर प्रतिदिन ग्रहण करें, डिप्रेशन नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारी एक सवाल का जवाब दिया। अगली बार और एक नए सवाल के साथ आपका दोबारा आपको परेशान करेंगे। भगवान आपकी मनोकामना पूरी।